फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान आया है। फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों का समर्थन किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त। कश्मीर के युवा अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये विवादित बयान। कश्मीर के युवा अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं मोदी साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूं, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए, उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है। वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। तो फारूक अब्दुल्ला का ये विवादित बयान, और इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है लगातार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संवेदनशील मुद्दे पर सोच समझ कर बोलने की नसीहत दी है। कि इतने कदावर नेता भी जब चुनाव के दबाव में आकर के इस प्रकार की भाषा बोलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह हमें मंथन करना है कि हमारे राष्ट्रीय हित को लेकर के जिस प्रकार की कंसिस्टेंसी, जिस प्रकार का ठहराव हमारे दिग्गज राजनेताओं से अपेक्षित होना चाहिए, क्या वो है कि नहीं है। और यदि नहीं है तो मुझे विश्वास है इस देश के नागरिक, इस देश के मतदाता हमें मजबूर करेंगे कि हम अपने चलन में और अपने राजनीतिक व्यवहार में उस प्रकार का बदलाव लाएं। इतना सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील है, इसको राज्यसभा के गेट से बाहर निकलकर कोई चर्चा का विषय नहीं बन सकता। कांग्रेस पार्टी ने इन सभी सिक्योरिटी के मेजर्स और सेंसिटिविटी जो कश्मीर की है उसमें बेहतर यह है कि सोच समझकर ही शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।